अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रियाज और आप देख रहे हो मोबाइल डॉक्टर यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास ये मोबाइल है सैमसंग का, जो कि मॉडल है C5 Pro। तो हमने ऑलरेडी इसको खोल लिया है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसका बैक बटन जो है वो काम नहीं कर रहे। ये देखिए, ये बटन जो है, ज़रा इसको LCD ज़रा उठाते हैं। ये देखिए, जो रीसेंट बटन है ये वाला, ये रीसेंट बटन जो ऑप्शन का बटन है, मेन्यू ऑप्शन का बटन है, ये काम करता है। लेकिन ये जो बैक बटन है ये काम नहीं कर रहा है। ये देखें, तो इसको प्रेस करता हूँ तो लाइट दोनों में आती है। ये देखें, दोनों में लाइट आ रही है, लेकिन ये जो बैक बटन है ये काम नहीं करे। तो आज इस मसले को कैसे हल करना है आपको दिखाते हैं। तो हमने जब इसको चेक किया तो इसका जो पोर्ट था, ये देखिए, किसी ने ये चार्जिंग स्टेप चेंज किया हुआ है, ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। तो आपने सिंपली इसको करना ये है कि बीच बैक साइड पे आपने अपनी फिंगर को लगा देना है, हर पॉइंट को, हर कैपेसिटर जो होता है। तो हमने चेक किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये रीसेंट बटन का भी पीछे कोई डाइवर्ट कैपेसिटर वगैरह नहीं दिया हुआ है। बाकी मोबाइल में ये पीछे रजिस्टर दिया होता है तो उससे जंपर करके मसला हल हो जाता है। लेकिन इसमें जो है पीछे कोई लाइन वगैरह शो नहीं है, मतलब कोई लाइन वगैरह, कोई डाइवर्ट कैपेसिटर वगैरह रजिस्टर नहीं दिया हुआ है। तो इसका मसला जो है वो ये मेन इसी से, जिसका ये जो ढक्कन दिया हुआ है तो इसको उठाते हैं, तो इसके नीचे जो IC है उससे चेक कराते हैं आपको कि वहाँ से बैक बटन काम करता है कि नहीं करता। तो चलिए इसको उठाते हैं। तो हमने इसको उतार दिया है। ये देखें जी, IC जो है आपको दिख रहा होगा, इधर आपको लाइट की तरह से नहीं आ रही थी। ये देखें दोस्तों, ये IC से ये लाइन जाता है बैक बटन पे और रीसेंट बटन पे। तो ज़रा इसको चेक कराते हैं, IC को ज़रा इसको टच करते हैं तो देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है कि नहीं आता। वैसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन ज़रा हम फिर भी चेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा वीडियो स्किप करते हैं, तो मैं ज़रा इसको चेक कराता हूँ, चेक करके आपको वापस बताता हूँ कि कौन से पॉइंट से हमने जंपर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, हमने फाइनली इसको ट्रेस किया हुआ है, ज़रा आपको दिखाते हैं कि इसका बैक बटन और बटन कौन से वाले हैं। ज़रा आपको जूम कराते हैं, एक मिनट। तो जूम तो अच्छा हो गया, दोस्तों यहाँ पे ज़रा आपको ध्यान से आपको दिखाते हैं, ये दो जो लाइन आ रही है, तो ये मसला ज़्यादातर IC से भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे IC का प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइन कट गया है, लेकिन आपको दिखाते हैं, ये लाइन जो है यहाँ पे जी, ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला लाइन जो है यहाँ से आता है यहाँ पे। तो ये वाला लाइन जो है ये बैक बटन का काम करता है, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं। ये वाला लाइन जो है ये बैक बटन का है, ये जो है ये रीसेंट बटन का है। तो रीसेंट बटन तो ठीक है ऑलरेडी, लेकिन हमने यहाँ इस पॉइंट से जंपर लेना है। आपको ज़रा इसको चेक कराते हैं, इसको जूम आउट करते हैं। तो ये देखिए, इसका बटन वगैरह
हटाते हैं। ये देखें हमने इसका ऑप्शन शो कराया आपको, तो हमने जब इसको यहाँ से प्रेस कर दिया तो आप देखें, ये देखिए मोबाइल बैक हो गया। ये देखिए फिर से भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए फिर से मोबाइल बैक हो गया। तो हमने इसी पॉइंट से जंपर लेके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से जंपर लेना है, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इस पॉइंट को जंपर करना है, ऊपर थोड़ा सोल्डिंग वायर लगाते हैं। ये देखिए ना, देखिए हमने जंपर लिया, तो हमने जंपर ले लिया है अभी। तो इसका बैक बटन इस साइड पर है, तो हमने जंपर वायर यहाँ से निकाल के कुछ करते एक मिनट। पर सर्जिकल टेप लगाते हैं, भी हमने यहाँ से इसको निकालना है। जैसे हमने निकाल दिया है इसको, तो अगर इसको डिसोल्ड करते हैं तो आपको चेक कराते हैं कि काम करता है कि नहीं करता। तो यहाँ हमने ऑप्शन लगा दिया, बैक बटन प्रेस करते हैं, ये देखें जब हम इस लाइन वायर को टच करते हैं, ये देखें ये वायर है, ज़रा इसको टच करते हैं, ये देखिए बैक हो जाता है, ये देख रहे हो आप। तो इसको अंदर फिक्स करते हैं, वो भी एक तरीका है जिसकी वजह से ये प्रॉपर काम करेगा। इस तरह आप इसको फिक्स करते हैं, आपको फिक्स करना है। तो अगर मोबाइल को आप करके एल सी डी निकाल के और फिर जंपर करके फिर इसे आपको चेक कराते हैं, ठीक है। हमने इसको पावर ऑफ करना है, एल सी डी निकाल दिए और
इस वायर को थोड़ा कम करते हैं काट के। तो दोस्तों हमने जंपर ऐसे करना है, एक मिनट ज़रा जूम कराते हैं। यहाँ से ये जो ऊपर वाला ये डबल टेप दिया हुआ है इसको ज़रा उठाते हैं, ये देखें आराम से। इसको हटाना नहीं है, बस सिर्फ ने थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। और यहाँ से आपने स्क्रैच करके ये देखें स्क्रैच कर लिए। यहाँ से हमने जंपर करने में ठीक तरह से स्क्रैच नहीं हो गया। होल्ड नहीं हो रहा है तो हमने फाइनल यहाँ पे स्क्रैच किया हुआ है। तो हमने यहाँ से साइड से स्क्रैच को किया तो यहाँ पे जंपर करते हैं। जंपर करने के बाद वायर को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये देखें प्रॉपरली हमने इसको फिक्स किया। तो अभी आपको फिर से ऑन करके दिखाते हैं। वीडियो थोड़ा नंबर तो सकता है लेकिन आपको उनकी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे, ठीक है। LCD को लगाते हैं। काम करने के लिए जो पॉइंट दिए हुए इसको आप अपने शॉर्ट कर दी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको ज़रा अनलॉक करके इसको दिखाते हैं, देखिए ज़रा यहाँ से LCD ठीक तरह से बैठी नहीं है। तो ये देखिए तो इस तरह अपने अपने मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो मोबाइल ठीक हो गया फाइनली। तो आपने यही ऐसी यहाँ पे दिया होगा तो आपने वही से जंपर लेके मोबाइल को रिपेयर कर सकते, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।